The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Let's talk about coronavirus and the difference between coronavirus infection, COVID-19 and flu. जी हाँ, मौसम है फ्लू का और ज़्यादातर लोगों को कुछ मात्रा में सर्दी खांसी फ्लू होगा ही. तो कैसे बताएंगे आप कि आपको जो फ्लू है वो सर्दी खांसी नॉर्मल फ्लू है या वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या फिर वो कोई एलर्जिक रिएक्शन है. सी, इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, जो फ्लू है, राइट, ये दोनों अलग बीमारियां हैं कोरोना से. इन्फ्लुएंजा और फ्लू, ये दोनों कोरोना वायरस जो है वो एक नया कोरोना वायरस है अभी जो आया, कोविड-19 वाला. और फ्लू और इन्फ्लुएंजा ये जो चीज़ है जो हमको सालों में हर साल होती है वो भी एक प्रकार के कोरोना वायरस से हो सकती है. वैसे इन्फ्लुएंजा फ्लू होने के 200 से ज़्यादा वायरसेस हैं, याद रखिए. उसमें डेंजरस वायरसेस भी हैं, स्वाइन फ्लू का H1N1 वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, ये डेंजरस वायरसेस हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन है जो आपको लेनी चाहिए. हमने ऑलरेडी बार बार बताया है, राइट. हर साल वैक्सीन आती है, नई वैक्सीन आती है, हर साल आपको लेनी चाहिए. सिम्टम्स जो हैं, बात बताने वाली क्या है कि अगर आप सिम्टम वाइज देखेंगे कि मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या फिर फ्लू है, तो सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर लग सकते हैं. बिल्कुल, ये दोनों बीमारियां कोविड-19, कोरोना वायरस और फ्लू इन्फ्लुएंजा अलग अलग वायरस से हो रही हैं, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं, याद रखिए. लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, कोविड-19 इज कॉज्ड बाय वन वायरस जिसका नाम है SARS-CoV-2. जी हाँ, और फ्लू जो है वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस हो सकते हैं, मल्टीपल वायरसेस हो सकते हैं जो आपको कॉज करेंगे. सेवरल टाइप्स ऑफ वायरसेस, स्ट्रेन्स, इन्फ्लुएंजा, वन ऑफ देम इज कोरोना, वेयर वन ऑफ देम इज ऑल्सो नॉर्मल कोरोना वायरस, राइट. कोरोना वायरस भी आपको अगर हो जाएगा तो 80-90% चांस है यंग इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल को एक सिंपल फ्लू होगा और वो खुद ठीक हो जाएगा. यस, सीरियस हो जाने वाले कुछ ही परसेंटेज के लोग होंगे जो या तो पहले से बीमार होंगे या पहले से स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, कोई लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज ऑलरेडी उनको होगी. अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, फ्लू और कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन की, तो दोनों सिमिलर वे में बिल्कुल फ्लू के जैसे ही ट्रांसमिट होते हैं. जैसे कोरोना और फ्लू दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, यानी एक पर्सन जिसको है वो फैला सकता है जब वो बात कर रहा है, जब वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो बाहर गिरने वाले ड्रॉपलेट्स जो गिरते हैं वो गिरते हैं 1 मीटर दूरी तक, और उस दौरान के उस बीच आप हैं या उस दौरान कोई सरफेस है वहां गिर जाएंगे, कुछ घंटों तक वहां पे वो एक्टिव रह सकते हैं. उस एक्टिव सरफेस पे आपने हाथ लगा के अपने फेस, चेहरे, नाक को हाथ लगाया तो चांसेस हैं कि आपके नाक, मुंह और आंखों के अंदर से वो अंदर चले जाए. सो दोनों आपके एयरबॉर्न रूट से, यानी ड्रॉपलेट रूट से स्पेयर हो रहे हैं. एयरबॉर्न यानी डिस्टेंस नहीं जाते, दूर दूर तक नहीं जाते कि हवा में घूमते रहेंगे और फंस जाएंगे आपके आपके नाक में, बिल्कुल भी नहीं. ये दोनों केसेस में है, याद रखिएगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात कि ट्रांसमिशन हो गया ये. दूसरी बात, अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो दोनों में सिंपल फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे, जैसे थोड़ा सर्दी होना, नाक बंद होना, थोड़ा बहुत आपको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, थोड़ा जुकाम होगा, छींक आएगी, खांसी भी आ सकती है, और हल्का फुल्का कमज़ोरी, वीकनेस, इवन फीवर आ सकता है. अब अगर ये बीमारी और बढ़ती है, कोरोना वायरस हो या फ्लू हो, फ्लू से भी किसी किसी को निमोनिया हो जाता है, यानी वो फ्लू ऊपर ऊपर रहने की जगह छाती के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाता है. सेम कोरोना वायरस कैन गो इनसाइड. जब वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, लंग के अंदर फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देगा, वहां पर प्रॉब्लम करेगा, वहां पर सूजन आएगी, पानी भरेगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो आपका सांस फूलने लगेगा. तो जब भी आपका अगर सांस फूलने लगे तब आपको अपना चेकअप करवाना है, इंपॉर्टेंट. नॉर्मल फ्लू का मैनेजमेंट आप घर पे कर सकते हो, और मैनेजमेंट में हमने ऑलरेडी कई बार बताया है,
प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत सारा पानी पीना है आपको, उसमें आप सिंपल पानी, नारियल पानी, जूस, क्या नाम है, फ्रेश स्क्वीज जूसेस, खट्टा छोड़ के, खट्टा और ठंडा नहीं लेना है, अवॉइड करें उसको, खट्टा और ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर वाली चीज़ें, हॉट सूप्स पी सकते हैं, नॉर्मल सूप, चिकन सूप, डजेंट मैटर, राइट, अदरक वाली चाय ले सकते हैं, जो भी एक नॉर्मल फ्लू का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं घर पे वो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर अगर नहीं मैनेज हो रहा तो क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं, क्या किसी प्रकार की कोई खतरनाक दवाई उपलब्ध है जिससे कि फ्लू या कोविड 19 ठीक हो जाता है? नहीं, फ्लू के लिए या कोविड 19 कोरोना वायरस दोनों के लिए कोई दवाई एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है। दुनिया में कुछ वायरसेस के खिलाफ एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं, जैसे HIV के खिलाफ है, आप हमारे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के खिलाफ हैं, ये एंटीवायरल मेडिसिन जो हैं ये वायरस के स्पेसिफिक उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए बनाई जाती हैं, वायरस को मारने के लिए नहीं, ये वायरस की ग्रोथ को रोकती हैं एंटीवायरल मेडिकेशन, मारता आपका खुद का इम्यून सिस्टम ही है। सो ऐसा नहीं है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वही मरेगा, यह है कि पुरानी क्या बीमारी है, ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट आपकी बॉडी के अंदर क्षमता कितनी है। सो अगर आप हेल्दी हैं, ऑब्वियसली अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो पुरानी बीमारी है, क्रोनिक डिजीजेज है, उसको मैनेज करके रखना सबसे ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है देन यू आर इन डेंजर, चाहे आपको फ्लू हो, स्वाइन फ्लू से भी खतरा है, कोविड 19 से, कोरोना वायरस से भी खतरा है। दुनिया भर में कोविड 19 के बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। अगर आप एक मात्र थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें कोविड 19 और फ्लू को, कोरोना वायरस और फ्लू को, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस अगर होंगे तो वो 1.5 लाख-2 लाख के आसपास केसेस हैं अभी फ़िलहाल, हो सकता है और बढ़ गए हों, लेकिन इतने ही हैं, लाखों में हैं। लेकिन अगर हम फ्लू के केसेस देखें तो बिलियंस में केसेस हैं, बिलियंस में, बिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड, राइट, और इवन इतने बिलियन केसेस हैं वर्ल्ड वाइड, पूरा पैंडेमिक है फ्लू, फ्लू सबको होता ही है। वैसे ही कोरोना वायरस अभी थोड़ा सा डेंजरस बोला जा रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि इससे डेथ रेट है नॉर्मल फ्लू से ज़्यादा, लेकिन सार्स और मर्स से कम है। ऑलरेडी मैं कई बार इस टॉपिक पर बता चुका हूँ, क्योंकि फ्लू से भी लेकिन डेथ होती है। ये बताने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि एक नॉर्मल कोरोना वायरस कोविड 19 से जो डेथ हुई है ये भी कुछ हज़ारों में हुई है, 6,000, 7,000, 5,000-6,000 अभी तक इतनी है पूरी दुनिया भर में जो रिपोर्टेड डेथ हैं। लेकिन एक फ्लू से वर्ल्ड वाइड जो डेथ होती हैं वो होती हैं, मानेंगे आप कितनी, वर्ल्ड वाइड डेथ हर साल फ्लू से कितनी होती है, 2 से 6 लाख के बीच में, 2 लाख से 6 लाख के बीच में डेथ होती है पूरे एक साल में पूरी दुनिया में। और सिर्फ अगर हम जो कंट्रीज US जैसी एक डेवलप्ड कंट्री में देखें, उसमें भी 10 से 60 हज़ार डेथ होती है US में ही एक साल में एक नॉर्मल कॉमन फ्लू से। क्यों होती है? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बीमार हो। वो ठीक ऐसे नहीं होने वाला कि ये दवाई ले लो, वो ले लो, ये खा लो, वो खा लो, इट्स अ लाइफ प्रोसेस। अगर आप जी ही गलत रहे हो, अगर आप जंक फूड खा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और ये करोड़ सालों से कर रहे हो, तो दिनों में ठीक नहीं हो जाओगे, कोई काढ़ा पीने थे सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि लोग आपसे कह रहे हैं ये खा लो, वो खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, खाओ, मनाही नहीं है, बट अपने माइंड को ये चीज जरूर समझा लेना कि जो आपने रेगुलर बेसिस पे करते हो उसका इफेक्ट ज्यादा है। तो डेली बेसिस पे अपने लाइफ में एक एक चीज पकड़ पकड़ के सुधारिए। एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक्सरसाइज करो। आप अगर हेल्दी वे में काम नहीं कर रहे हो, मान लो जंक फूड खा रहे हो, तला हुआ खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो, दारू पी रहे हो, तो ये आपको बीमार करेगी। दिस इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ सीरियस इन्फेक्शन फ्रॉम स्वाइन फ्लू, फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम नॉर्मल फ्लू। तो भैया ऐसा है, सच्चाई को समझो, क्यों हो रहे हैं लोग बीमार। हाँ, जो बहुत ज़्यादा बीमार है,
70 साल के 80 साल के, किसी को लंग कैंसर, किसी को दूसरा COPD, पूरे फेफड़े ख़राब, किसी के हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जो बहुत मुश्किल से बार बार अस्पताल एडमिट होते हैं, उनको ज़्यादा खतरा है, उनके पास ना फैले, इसीलिए ये सब तामझाम हो रहा है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, अस्पतालों में इतने इमरजेंसीज, और एक कंट्री बंद, दूसरी कंट्री बंद, और रोकथाम इसीलिए हो रही है ताकि आप जैसे जो सीरियस पेशेंट्स हैं, जो अपना ख्याल नहीं रखते, वो यंग लोग या ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग जिनको जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनके पास ये वायरस ना पहुंच पाए। सो कृपया अपना फ़र्ज निभाइए इस वायरस को रोकने में, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए और सही जानकारी फैलाइए, ना कि किसी को टोने टोट के दे, ये देख ले भाई जेब में, तेरे को कोरोना वायरस नहीं होगा, ऐसी चीज़ें काम नहीं करने वाली है। सो कोरोना वायरस और फ्लू दोनों एक बराबर सिम्टम्स हैं, कोई फर्क नहीं है सिम्टम में। सांस फूलने लगे तो फिर आपको इम्पॉर्टेंट चेकअप कराना है लोकल हॉस्पिटल, लोकल डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर चेस्ट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, पर MD फिजिशियन भी चलेगा। तो जाके आपने अपने डॉक्टर से चेकअप कराना है, दे विल डिसाइड कि आपको COVID-19 कोरोना वायरस के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि दुनिया में सब अपने COVID-19 का टेस्ट करवा भी लेंगे तो भी हो सकता है पहली बार नेगेटिव आ जाए, फिर 10 दिन बाद फिर कोरोना वायरस होने की गारंटी नहीं है कि फिर हो सकता है, अभी फैलेगा और तो 10 दिन बाद फिर होगा, फिर कराते रहोगे, महंगे टेस्ट होते हैं, 3,500-4,000 का टेस्ट मिनिमम आएगा, और दुनिया भर में अब रेट तो और बढ़ते जाएंगे। सो डोंट वेस्ट मनी ऑन जस्ट डूइंग टेस्ट, डू थिंग्स लॉजिकली एंड गेट होल्ड ऑफ अ गुड डॉक्टर नियर यू जो आपको गाइड करे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।